नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट के बारे में जहां कांग्रेस का कब्जा है। हम बात करेंगे निवाई विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। एक तरफ जहाँ बीजेपी मिशन राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी। निवाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने यहां से एक बार फिर प्रशांत बैरवा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने राम साय वर्मा को एक बार फिर मौका दिया है। अब निवाई के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तो 2018 में चुनाव में कांग्रेस के प्रशांत बैरवा ने 43,889 मत के भारी अंतर से बीजेपी के राम साय वर्मा को हरा कर ये मुकाबला जीत लिया था। 2018 के चुनाव में राम साय वर्मा को 61,895 वोट मिले, तो वहीं प्रशांत बैरवा ने 1,05,784 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। निवाई सीट पर प्रशांत बैरवा मौजूदा विधायक हैं। निवाई विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें, तो यहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जिले की एकमात्र निवाई सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। निवाई विधानसभा सीट की अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें, तो यहाँ पर 1990 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 बार जीत आई, तो कांग्रेस को 4 बार यहां से जीत मिली। 1990 में बीजेपी के खाते में जीत मिली थी, तो 1993 में कांग्रेस के खाते में यह सीट चली गई थी। निवाई विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। इस बार यहां से जीत किसको मिलती है, ये तो यहां की जनता ही तय करेगी। अब बात करें निवाई विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 2,84,000 के आसपास मतदाता है। निवाई विधानसभा सीट पर ST SC का दबदबा है और यहाँ अन्य जातियां भी प्रभाव रखती है। अब बात करते हैं यहाँ के 2023 के चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में। अगर बात करें कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत बैरवा की, तो उनका परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। उनके पिता सांसद रहे हैं। प्रशांत बैरवा ने साल 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा और इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2018 में इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और वे वर्तमान में निवाई में विधायक हैं। अब बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी राम साय वर्मा की, तो इन्होंने साल 2018 में पहली बार चुनाव लड़ा और हार गए। ये राष्ट्रीय रैगर महासभा के महासचिव रह चुके हैं। इस बार निवाई विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।